हेलो फ्रेंड, झारखंड कर्मचारी चयन JSSC की ओर से नया इम्पोर्टेंट नोटिस यह है, और इसमें जो है झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर के है। तो यहाँ पे जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए जो फॉर्म फिलअप हो रहा था उसको लेकर के यह नोटिस है। तो यहाँ पे क्या नोटिस, उस सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दोस्तों को, ताकि उनको भी ऐसी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डेट है वो 7 फरवरी 2022 का है। तो यहाँ पे है क्या चीज़ों का यहाँ पे चेंजेस किया गया, आवश्यक सूचना जो है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रतियोगिता 2021 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंत्रण संवर्ग के कनीय अभियंता, यांत्रिक कनीय अभियंता, विद्युत और कनीय अभियंता, सैनिक के कुल 1289 यानी कि 1289 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 7/2/2022 से आमंत्रित किया जाना निर्धारित है। तो यहाँ से 7 तारीख से जो इसका फॉर्म फिलअप होना था डिप्लोमा लेवल वाला, वह इसमें भरा आएगा। और आपका है 1289 सीट है, इसमें से आपका जो है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म फिलअप होना था। यहाँ भी आप लोगों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ जो नोटिस आया है उसमें झारखंड सरकार के पत्र संख्या 557 दिनांक 3/2/2022 द्वारा ऊर्जा विभाग रांची के कनीय अभियंता विद्युत के कुल 4 पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना प्रारूप हुए। तो यहाँ पर जो है पहले जो फॉर्म फिलअप हो रहा था उसमें अब नया ऐड हुआ है रांची के कनीय अभियंता विद्युत के 4 पोस्ट में, यानी कि आपको ऊर्जा विभाग का जो 4 पोस्ट है वह यहाँ पर ऐड हो गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो डिप्लोमा किए हुए हैं वे अब इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसमें जो 4 पोस्ट है उसको भी ऐड किया गया। तो कन्या विद्युत अभियंता ऊर्जा विभाग के पद को भी विज्ञापन संख्या 6/2021 झारखंड डिप्लोमा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में समाविष्ट किया जा रहा है। तो इसमें इसको ऐड किया गया है। तो इसके बारे में पूरी यहाँ पे जो है बताया गया, देखते हैं उसको क्या है। तो पदनाम में विभाग का जो नाम है कन्या अभियंता विद्युत जो ऊर्जा विभाग में आएगा वह अनुरक्षित के लिए 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो है वो 4 सीट में, यानी कि अनुरक्षित के लिए 2 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है। तो कुल मिलाकर के 4 सीट है, ये आप लोगों का ऐड हो गया है इसी डिप्लोमा वाला एग्ज़ाम में। तो ये भी आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर लेना है जो इसमें एलिजिबल है। और इसमें जो है इसका जो वेतनमान और शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 35,400 से लेकर के 1 लाख से ऊपर आपका वेतनमान है। यहाँ पे देख सकते हो ऊर्जा विभाग के कन्या अभियंता विद्युत वाला है, और इसमें जो है डिप्लोमा होना चाहिए ये भी कहा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से। और इसमें जो एज था वो आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 1/8/2022 में ही आपका सारा चीज़ें कैलकुलेशन होगा। तो ये भी है, और बाद बाकी जितने भी चीज़ें थी वो सब के सब वैसे के वैसे ही रहेगी। यहाँ पे हस्ताक्षर पेशा नियंत्रक आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे है ऊर्जा विभाग रांची की ओर से जो है इलेक्ट्रिकल वाले का जो 4 सीट वह बढ़ गया है। तो यहाँ पर जो भी है इलेक्ट्रिकल वाले वो अब इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसका जो डेट है वो आप देख सकते हैं कि 7 फरवरी 2022 से है। तो ये आप लोगों को भर लेना है डिप्लोमा वाले एग्ज़ाम को भरने के लिए, लिखने के लिए। तो आप लोग ये इसको पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता 2021 को लेकर के यह सूचना है।